इसे जम्मू से माँ प्रेम मनीषा ने पूछा है। पूछती हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और संकल्प समाधि में अंतर बताने की कृपा करें। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को हिंदी में परामृत्यु कहते हैं, परामृत्यु कहते हैं। तो आओ पहले जानते हैं ये परामृत्यु क्या है। हमारे शरीर में हमारी चेतना रहती है। हमारा शरीर में पांच तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। पृथ्वी तत्व के बारे में जानते हो, जो भी शरीर में जैसे ठोस है, जैसे मान लो हड्डी है तुम्हारी, ये पृथ्वी तत्व से निर्मित है। उसी तरह जो जल तत्व है, जो रक्त है, रस है, वो सब जल तत्व में आ गया। अग्नि तत्व जो ये टेम्परेचर है तुम्हारा, जो अग्नि मेंटेन होती है, और उसी तरह से मान लो कि पाचन शक्ति में जो अग्नि लगती है, जठराग्नि है, ये अग्नि तत्व है। ये भी हम जब बच्चे जब गर्भ में आते हैं तो ये माँ से ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। वायु तत्व है, सांस लेते हैं। तो ये जो चार तत्व तो हम धरती से प्राप्त करते हैं, यहीं से प्राप्त करते हैं, लेकिन जो पांचवा तत्व है, आकाश तत्व है, ये स्पिरिट वर्ल्ड से हमारा जो सूक्ष्म शरीर आता है, वो ईथर तत्व, जिसको अंग्रेजी में ईथर बोलते हैं, आकाश तत्व बोलते हैं, तो ये ऊपर से स्पिरिट वर्ल्ड से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो आकाश तत्व है। तो फिर क्या होता है कि ये जो आकाश तत्व है हमारे भीतर, जब ये आकाश, मृत्यु का क्या मतलब हुआ, अब ये आकाश तत्व और आत्मा, अब ये दोनों अलग हो गए हमारे फिजिकल बॉडी से और सदा के लिए अलग हो गए, परमानेंट अलग हो गए, तो उसको मृत्यु कहते हैं। और जब थोड़ी देर के लिए अलग हुए तो उसको आउट ऑफ बॉडी कहते हैं। तो ये जो परामृत्यु का सिलसिला है, आउट ऑफ बॉडी का, तो ये तो जब तुम सोते हो तो कई बार परामृत्यु घटित हो जाती है, बल्कि तुम में से बहुत लोगों ने उड़ने का सपना देखा होगा। सपना देखते हो कि हम उड़ रहे हैं, वास्तव में वो सपना नहीं है, वो सचमुच में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो फ्लोट करने लगता है। उसी को हम, ऐसा लगता है कि हम जैसे उड़ रहे हों। तो जब मृत्यु होती है तो हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारी जो आत्मा है, ये दोनों मिलाकर, उसको कहते हैं जीवात्मा, ये एस्ट्रल बॉडी। ये जीवात्मा जब शरीर से अलग हो जाती है, जब परमानेंटली, जैसा मैंने कहा, अलग हो गई, तो उसको मृत्यु कह दिया, अब लौट के आने वाली नहीं है। लेकिन अलग हुई और फिर आ गई, जैसे माँ के गर्भ में जब हम रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमेशा माँ के गर्भ में रहते हैं, उस समय भी आउट ऑफ बॉडी होता रहता है। उस समय भी हमारी जो जीवात्मा है वो अपना घूम फिर करके, टहल के इधर उधर, और फिर आती रहती है। तो ये जो, ये तो स्वाभाविक रूप से होता है, एक नेचुरल रूप से होता रहता है, लेकिन जानबूझ करके हम जैसे कि अमृत समाधि में तुम आते हो तो प्रयोग कराया जाता है आउट ऑफ बॉडी का। तो कुछ देर के लिए हम शरीर से बाहर पर्यटन पर निकल जाते हैं तो उसको आउट ऑफ बॉडी कहते हैं, उसको परामृत्यु कहते हैं। दूसरी बात तुमने चर्चा की सविकल्प समाधि की, तो सविकल्प समाधि क्या है? देखो, आत्मा के कई आयाम हैं, और अश्वधारा में जब तुम आते हो तो पहले तल से लेकर के और प्रेम समाधि है ग्यारहवें तल तक, आत्मा के कई आयामों को तुम जानते हो, जैसे निराकार है, नाद है, नूर है, अमृत है, शांति है, ऊर्जा है, शक्ति है, उमंग है, मंगल है, दिव्य स्वाद है, दिव्य गंध है, दिव्य खुमारी है, आनंद है, चैतन्य है, प्रेम है, कई ये सारे आयाम हैं। सविकल्प समाधि का मतलब हुआ, अब इतने आयामों में से किसी एक आयाम के प्रति जागे हुए जब रहते हो तो उसको कहते हैं संकल्प, सविकल्प समाधि, अर्थात विकल्प। तुमने एक विकल्प को चुन लिया, तो फिर क्या, जैसे तुमने चुन लिया नाद, अब नाद के श्रवण के, नाद के प्रति जागरूक हो, तो सविकल्प समाधि है। इसी तरह ध्यान में क्या होता है, तुम निराकार के प्रति जागे हुए हो, ये भी सविकल्प समाधि है, ध्यान भी सविकल्प समाधि है। उस तरह तुमने चुन लिया नूर, अब नूर का दर्शन कर रहे हो,
अनूर के दर्शन में मगन हो गए हो, तो ये भी सविकल्प समाधि है। उसके जैसे अमृत है, अमृत तत्व है जो इटर्नल है, जो शाश्वत है, जो फैलाव अंतराकाश शाश्वत है। अब उस शाश्वत अंतराकाश शाश्वत तत्व ये जानते हुए कि मैं अमृत हूँ, मैं शाश्वत हूँ, और उसमें मगन हो गए, उसके प्रति जागे हो, तो अगर किसी एक आयाम के प्रति तुमने चुन लिया, तुमने विकल्प डाला और उसके प्रति तुम जागे हो, जागे हुए मगन हो गए हो, तो इसको कहते हैं सविकल्प समाधि। जिसके लिए कहते हैं रज्जब साहब कहते हैं संतो मगन भया मन मेरा। ये मगनता जो है, ये जो निमज्जन जो है, यह जो डूबना जो है किसी एक विकल्प में, उसको कहते हैं सविकल्प समाधि। तो साथ साथ तब ये भी जान लो फिर निर्विकल्प समाधि क्या है। अब निर्विकल्प समाधि का मतलब हुआ कि अब तुमने विकल्प नहीं चुना है, बस जागरण मात्र है, अर्थात विकल्प भी खो गया। कम से कम सविकल्प समाधि में तुमको ये पता है कि किसके प्रति तुम जागे हो। जैसे ध्यान में तुम्हें पता है कि निराकार के प्रति जागे हैं, नाद के प्रति सविकल्प समाधि में तुम जानते हो कि नाद के प्रति जागे हैं, नूर के प्रति जागे, अमृत के प्रति जागे हैं, ऊर्जा के प्रति जागे हैं। लेकिन निर्विकल्प समाधि जागरण मात्र है, जागे हो लेकिन प्रतीक हो गई, अब किसके प्रति जागे हो। कबीर साहब बड़ा सुंदर इसका वर्णन करते हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और राम सने ही ना मरे कह कबीर समझाए। जागने वाला बस बच गया, किसके प्रति जाग रहे हो तुम, मंत्र के प्रति जाग रहे हो कि सांस के प्रति जाग रहे हो कि नाद के प्रति जाग रहे हो, बस वो खत्म हो गया जागने वाला। इसलिए केवल कहते हैं जागरण मात्र रह गया। तो ये है निर्विकल्प समाधि। अब ये जानना आसान होगा कि परामृत्यु में और सविकल्प समाधि में अंतर क्या है। पहला अंतर तो यह है कि परामृत्यु में तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर चला जाता है, लेकिन सविकल्प समाधि में कोई सूक्ष्म शरीर बाहर नहीं जाता। दूसरा मुख्य अंतर क्या है कि परामृत्यु में की प्रक्रिया में चेतना सिकुड़ती है और सिकुड़ करके एक चक्र पर आती है, जैसे मणिपुर चक्र पर आ गई फिर वहाँ से निकल गई, फिर जैसे आज्ञा चक्र पर आ गई चेतना और वहाँ से निकल गई, जैसे सहस्रार चक्र पर चेतना आ गई और वहाँ से निकल गई। लेकिन सविकल्प समाधि में चेतना फैलती है, चेतना सिकुड़ती नहीं है। जैसे पूरा जो अंतराकाश देख रहे हो, इस अंतराकाश के पूरे फैलाव को देखते हो, जबकि परामृत्यु की प्रक्रिया में एक बिंदु पर आ जाते हो, तो बिना एक बिंदु पर कंसंट्रेट किए तुम एक बिंदु पर आ नहीं सकते, परामृत्यु नहीं में नहीं जा सकते। अर्थात परामृत्यु में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की प्रक्रिया है, लेकिन जो सविकल्प समाधि है वो कंसंट्रेशन नहीं है, एक्सपेंशन की प्रक्रिया है। दोनों बिल्कुल आपस में विपरीत है। तो परामृत्यु और सविकल्प समाधि में ये मौलिक भेद है।